10th, welcome again in online classes of Balde. Students, at present we are studying how to organize reproduce chapter. In this chapter we have already discussed, we have already come to know that how organisms reproduce in nature, why reproduction is essential. Second, about variations we have studied. Variations are very essential, they are fruitful phenomena. This thing also we have studied. Now come to various modes of reproduction. उससे पहले आपकी बुक में क्वेश्चन एक दिया हुआ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन. यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करेंगे. ये क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन, ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, व्हाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल इन द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे. अब चलते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाई सिंगल ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है. बहुत सारे रिप्रोडक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपकी सिलेबस में भी हैं. आउट ऑफ दोज पहला टाइप जो है वो फिशन का है. फिशन वी कैन सी फिशन इन ईस्ट, वी कैन सी फिशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो. फिशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक एक्टिविटी बुक में लिखी हुई है. अगर हम 30% शुगर सोल्यूशन बनाएं, 30% शुगर सोल्यूशन कैसे बनेगा, 100 ml वाटर में 30 g शुगर हम ऐड कर देंगे और उस सोल्यूशन को ठंडा कर देंगे. ठंडा करने के बाद उसमें अगर हम ईस्ट के ग्रेन्यूल्स डाल दें थोड़े से, तो ईस्ट के ग्रेन्यूल्स जर्मिनेट होने लगते हैं. कैसे जर्मिनेट होते हैं, इसी प्रोसेस से, फिशन प्रोसेस से. फिशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज फिशन, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं एक बार, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम. फिशन इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन, कोई सिंपल सा ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा हो तो ये बाइनरी फिशन हुआ. कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म के भीतर जो उसका न्यूक्लिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बाद में ये ऊपर वाली वॉल रैप्चर हो जाए और इस रैप्चर होने की वजह से अंदर की सारी सेल्स बाहर प्रोलिफरेट कर जाए, तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म बने, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल फिशन, ठीक है. तो फिशन इज ऑफ टू टाइप, बाइनरी फिशन इन विच फ्रॉम वन सिंगल इंडिविजुअल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. एंड मल्टीपल टाइप ऑफ फिशन इज सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स और डॉटर न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड. एग्जाम्पल बता दें, मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है. प्लाज्मोडियम क्या है पता है कि वो भी बताना पड़ेगा. प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्रोटोजोआ फाइलम का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक हमारे भीतर एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया. और ये प्लाज्मोडियम चार तरह का होता है, अब ये नहीं बताएंगे चारों तरह के कौन कौन. तो फिशन हम लोग समझ गए. आफ्टर फिशन फ्रैगमेंटेशन इज गिवेन हियर. एक्चुअली फ्रैगमेंट का मतलब होता है बच्चों पीस. फ्रैगमेंट मतलब पीस, टुकड़ा. तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब किसी भी तरीके से कई पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाना. ये स्पायरोगायरा में होता है, वॉल्वॉक्स में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है. इन प्लांट्स में फ्रैगमेंटेशन टाइप का डिवीज़न होता है, रिप्रोडक्शन होता है. आपकी बुक में फ्रैगमेंटेशन में लिखा हुआ है आपकी बुक में कि मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट. दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन. एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
there is simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. अच्छा, स्पायरोगायरा दो कंडीशन में ब्रेक होता है. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाता है तो एक पीस, एक जो स्पायरोगायरा का प्लांट है, ये मान लीजिए स्पायरोगायरा का प्लांट है, तो ये कई छोटे छोटे प्लांट्स में जब ये मैच्योर हो जाता है, आपकी बुक में लिखा है, तो कई में डिवाइड हो जाता है, कई फ्रेगमेंट्स में, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, कई फ्रेगमेंट्स हो गए, कई स्पायरोगायरा बन गए इसके. और एक और कंडीशन में ये डिवाइड होता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स वो पॉन्ड के, लेक के किनारे ग्रेज करते हैं ग्रास को और इसको भी, स्पायरोगायरा को, तो जो वो च्यू कर ले, जो वो कट कर लेते हैं, ग्रेज कर लेते हैं जितना पार्ट, वहाँ से नया पार्ट फिर से आ जाता है. लेकिन इस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन तब नहीं कहेंगे, जब ग्रेजिंग एनिमल्स का केस आएगा तब इसको रिजनरेशन कहेंगे. तो फ्रैगमेंटेशन टू कट आउट न्यू पीसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्रैगमेंट्स, इसको कहेंगे हम फ्रैगमेंटेशन. आपकी बुक में और भी एग्जांपल दिया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा. फ्रैगमेंटेशन, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही रिप्रोडक्शन करें, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस इम्पॉसिबल नहीं है. आप ड्रा करेंगे अपनी कॉपी में, कुछ डायग्राम्स हम दे रहे हैं ड्रा करने को. ये आप फर्स्ट डायग्राम ये ड्रा करेंगे, ये अमीबा में फिशन, फर्स्ट डायग्राम ऑफ फिशन. ये कौन सा फिशन हो रहा है? ये दो बन रहे हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है. और उसके बाद सेकेंड डायग्राम आप बनाएंगे प्लाज्मोडियम का, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन, दिस डायग्राम इज ऑफ प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिशन, एक ही प्लाज्मोडियम से कई सारे प्लाज्मोडियम बन रहे हैं, ठीक है. उसके बाद रीजनरेशन का बहुत ही बढ़िया डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया. इतना ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये बाद में, ये वाला डायग्राम बाद में बनाएंगे, अभी नहीं, बटिंग. तो ये प्रोसेस हो गया फ्रैगमेंटेशन का. उसके बाद रीजनरेशन थोड़ा सा जान लेते हैं. एक बच्चे ने पूछा था हमसे 9th में जब हम पढ़ा रहे थे, आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन दोनों में डिफरेंस क्या है. हो सकता है आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो. रीजनरेशन से कभी दो ऑर्गेनिज्म नहीं बनते, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई पार्ट नुकसान हो गया, कोई पार्ट किसी च्यू एंड कट एनिमल ने ग्रेज कर लिया, तो वो जो पार्ट ग्रेज कर लिया वो पार्ट फिर से बन जाए. तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं रीजनरेशन में, ऑर्गेनिज्म सेम रहता है. जबकि इस प्रोसेस में फ्रैगमेंटेशन से सिंगल प्लांट या सिंगल ऑर्गेनिज्म से दो या तीन या चार ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. ये डिफरेंस है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में. रीजनरेशन के बारे में आपकी बुक में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रीजनरेशन प्रोसेस होता है. रीजनरेशन के बारे में एक बात और बता दें आपको, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी एनिमल्स में भी होती है. फॉर एग्जांपल, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. सोचिए, जब वुंड कभी आपको लग जाता है, घाव बन जाता है, तो वो घाव भरता है कि नहीं भरता है? ऊपर से ला के चिपकाते हैं कुछ फेविक्विक से? नहीं, वो अंदर से रीजनरेशन होता है, बोन का, मसल्स का, मस्कुलर सेल्स का.